हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था प्लेनर वॉइड्स क्या होते हैं और उसके अंदर हमने स्मॉल आर बाय कैपिटल आर की रेडियस रेशियो निकाल ली थी। होपफुली आपको वो समझ आ गया होगा। आज हम कंसीडर करने वाले हैं नॉन प्लेनर वॉइड्स को और उनके अंदर हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है कि नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, मतलब एग्जाम्पल कह रही हूँ, टाइप देखते हैं हम नॉन प्लेनर वॉइड की, जिसे मैं बोलती हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड वो वॉइड होता है जो बेसिकली क्या होता है, 3D अरेंजमेंट होती है क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, 3D वॉइड है। और इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, स्पेस में ड्रॉ करते हैं, पहली चीज़ तो ये है। अब स्पेस में ड्रॉ करना है तो बनेगा कैसे, आपको मैं एक स्ट्रक्चर इसका बना के दिखाती हूँ, फिर इसका एक स्ट्रक्चर हम 3D भी देखेंगे क्या है। आपने क्या करना है, तीन स्फीयर्स को स्टूडेंट्स, तीन स्फीयर्स को तो आपने क्या करना है, सेम प्लेन में लेना है। इसी से बना लेते हैं ना, तीन स्फीयर्स को आपने सेम प्लेन में लेने, जैसे आप ट्रायंगुलर में लेते हैं। लेकिन अब जैसे कि ये 3D स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर एक और स्फीयर रखा जाएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा CH4 का, CH4 जो होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है SP3, याद होगा आपने प्लस वन में किया है, नहीं भी याद तो टेंशन नहीं लेनी, समझा दूंगी, टेंशन नहीं लेनी। मैंने क्या बोला, जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे हैं और एक मॉलिक्यूल उनके ऊपर है, कैसे आपको दिखाती हूँ। जैसे CH4 का एग्जांपल ही ले लो, क्या होता है, कार्बन के नीचे हैं तीन और एक है ऊपर, है ना, तो तीन मॉलिक्यूल्स नीचे और एक हाइड्रोजन का ऊपर, वो क्या हो जाएगा, हमारा CH4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा बेसिकली। अब देखो, आपको इसका दिखाती हूँ एक एग्जांपल, 3D स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है, ये है मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये क्या है मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड है। देखो कैसे, एक दो तीन, ये जो ब्लैक वाले हैं मेरे स्ट्रक्चर्स, ये क्या है मेरा, ये है मेरा, ये जो ब्लैक वाले हैं एक दो तीन, ये मेरा क्या है, नीचे वाला सरफेस है। और ये ब्लू वाला क्या है, जो इसके ऊपर है, ज़रूरी नहीं ऊपर लगाना, आप नीचे लगा लो, इसको ऐसे रख लो, देख रहे हो, आप इसे ऐसे रख लो, या तो ऊपर या एक नीचे, वो क्या कहलाएगा, हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, इसको एक शीट पर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे क्लियर नहीं होता, तो आप उसमें समझिए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है। अब आता है एग्जांपल नॉन प्लेनर वॉइड का, देखिए क्या है नॉन प्लेनर वॉइड, आप इसे सारी डायरेक्शन से नोट कर सकते हैं, इसे मैं इस प्रकार भी रखूँगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये बनता कैसे है नॉन प्लेनर वॉइड, सबसे पहले एग्जांपल आता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड का। टेट्राहेड्रल वॉइड आपको देखने को मिल रहा है जो कि बनता है 4 स्फीयर्स के कनेक्शन से, कैसे देखिए, 1, 2, 3 एंड एक इसके ऊपर है, तो ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल। अब इसे हम बनाकर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, पहले मैंने तीन स्फीयर्स को ज्वाइन कर दिया, फर्स्ट स्फीयर, सेकेंड स्फीयर एंड थर्ड स्फीयर, जो कि हमने सेम प्लेन में लेने हैं। ये आपको याद रखना होगा भी, जब भी आपने टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन करनी है, तीन स्फीयर्स आपको एक प्लेन में, मतलब एक सरफेस पर आपको इस प्रकार से तीन स्फीयर्स लेने हैं। अब आपने क्या करना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आपको इसके ऊपर एक और स्फीयर रखना है, या तो आप इसे ऊपर रखिए या आप इसे नीचे रखिए, ठीक है। तो ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि 4 स्फीयर्स के कनेक्शन से बनता है, जिसमें 3 स्फीयर जो हैं वो तो प्लेन में होंगे और एक स्फीयर या तो ऊपर होगा या इसके क्या होगा, नीचे होगा स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। देखिए उसके ये ऐसे बनने के बाद कैसे दिखता है हमें, ये हमें इस प्रकार का देखने को मिलेगा। देखिए ये तीन जो है ये नीचे के हैं और ये ऊपर का है, उल्टा करेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, या तो ऊपर लगाइए या नीचे, तो ये तीन ऊपर हैं और ये क्या है, नीचे हैं। तीन जो होंगे वो एक प्लेन में होंगे और एक जो होगा या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। सो ये जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं इसकी 3D स्ट्रक्चर, ये एग्जांपल है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड का। स्टूडेंट्स देखो ये वैसे क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, तो इसको समझाने के लिए आपको बताऊँ,
इन तीन के ऊपर एक है और उसके बीच वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये अब देखो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये बॉल ऊपर है लेकिन इस बॉल के नीचे, और अभी मैंने आपको जैसे स्ट्रक्चर दिखाया उसमें वॉइड दिखा दिया। वॉइड क्या होता है? अब यहाँ पर कोई अगर कोई मॉलिक्यूल अगर फिट होना चाहता है कोई स्फीयर, तो वो क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल। तो अगर मैं इसे ऐसे बना लूँ 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो ऊपर रखते हैं या नीचे रखते हैं कहीं पर भी, ठीक है, और नीचे वाले जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं उसे इस तरह से दिखाती हूँ, 1, 2, 3, ठीक है, ये ऊपर वाला जो इस पर फिट होता है और ये 3। अब जो इनके बीच में बनता है एक वॉइड, उसको मैं ऐसे यहाँ दिखा देती हूँ। पता कैसे? मतलब ये नीचे वाला हो गया 3, इसके ऊपर हो गया 1, और इसके बीच वाले वॉइड को मैंने बीच में दिखा दिया ऐसे हल्का सा उठा के, इस वॉइड को मैंने उठा के, मतलब लेयर टू लेयर उठाते जाओ। पहली लेयर कौन सी है? पिंक वाली, वो उठा दी, एक ही थी, ठीक है। फिर आया वॉइड जो दिख रहा है, फिर वॉइड को उठा दो, फिर क्या रहेगा? 3 रह गए जो इकट्ठे एक लेयर में थे, आपा ने उसको उठा लिया। अब इन सबके सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। जैसे ये वाला जो है ऊपर वाला जो है, ये किन किन को टच कर रहा है? ये वाला पिंक वाला किन किन को टच कर रहा है? ये एक तो टच करेगा इस वाले को, एक टच करेगा इस वाले को, और एक टच करेगा इस वाले को। समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना? एक और चीज़ देखिए यहाँ पर, एक और चीज़ देखिए, ये जो है बेसिकली ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? ये हमारा ई पॉइंट ले लेते हैं, भी वॉइड को टच कर रहा है, ये ए ले लेते हैं, ठीक है, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं। तो ए जो मॉलिक्यूल है वो इसके सेंटर को, इसके सेंटर को और इसके सेंटर को तो टच कर ही रहा है, साथ साथ वॉइड को भी टच कर रहा है ना। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया? बना दिया। अब वॉइड किन किन को टच कर रहा है? वॉइड भी बी को टच करेगा, सी को टच करेगा और डी को टच करेगा, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए देखिए कैसे मैं कह सकती हूँ, भी पिंक वाली लेयर ऊपर, फिर वॉइड दिख रहा है और फिर 3 है, 3 के बीच में वॉइड है ना, तो उसको हल्का सा उठा दिया, तो ऊपर वाला वॉइड से भी कनेक्टेड है और 3 मॉलिक्यूल से भी कनेक्टेड है, और ये जो वॉइड है ये भी तीनों से कनेक्टेड है और इस ऊपर वाले से कनेक्टेड है। तो इस जो ये मैंने लाइनें बनाई हैं, इसको एक बार अलग से बनाकर आपको इसकी डेरिवेशन दिखाती हूँ। देखो लाइनें कैसे बनानी है। सबसे पहला मैंने कह लिया ए ई, ये वाला ए ई, मतलब ऊपर वाला स्फीयर और वॉइड तक का डिस्टेंस। ये कितना होगा स्टूडेंट्स? ऊपर वाला स्फीयर और वॉइड तक का डिस्टेंस, ऊपर वाले स्फीयर का रेडियस आर कैपिटल प्लस, अब वॉइड का भी तो रेडियस लेंगे ना, तो वो क्या होगा? स्मॉल आर, यानी कि ए ई की वैल्यू क्या है? आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि जो ऊपर वाला आपको ये देखने को मिला है, ये ऊपर वाला और इसके जो बीच में नीचे से वॉइड होगा, उन दोनों का डिस्टेंस कह रही हूँ, उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, तो ए ई पता चल गया। अब उसके बाद देखो ये ऐसे है, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब ई डी की वैल्यू क्या होगी? अगर आपसे मैं पूछूं भी स्टूडेंट्स ई डी की वैल्यू क्या है, तो आप देखिए ई डी क्या होगा? सेम ई का रेडियस आर, ठीक है, मतलब इस वॉइड का रेडियस आर, ऐसे यहाँ पे देखते हैं, इस वॉइड का रेडियस आर और इसका कैपिटल आर, यही है ई डी। तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? आर प्लस स्मॉल आर। ये भी क्या हो जाएगा? आर प्लस स्मॉल आर। कैसे? इस वॉइड का रेडियस और इसका रेडियस, इस वॉइड का रेडियस और पीछे वाले स्फीयर का, ऊपर वाले का नहीं पीछे वाले का, ऊपर वाले का तो करके दिखा दिया ना मैंने, जैसे इनका है बस ऊपर अरेंज्ड है, फ़र्क इतना ही है। एक और चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करूँ, इसको ट्रायंगल की फॉर्म में ड्रॉ करूँ, ऐसे इसे ज्वाइन कर दूँ मैं, ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, इसे ज्वाइन कर दिया, मतलब ऊपर वाले स्फीयर और नीचे वाले तीनों स्फीयर्स के रेडियस को ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या होगा? बी वाले का रेडियस होगा और इस वाले का रेडियस होगा। ये तो 3D है ना, तो इतना डिस्टेंस दिख रहा है, हालांकि है तो एक दूसरे के ऊपर ही ना। देखो इस वाले का रेडियस R और इस वाले का, ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? R प्लस R, कैपिटल R प्लस कैपिटल R, 2R, ये भी कितना हो जाएगा? 2R, ये भी कितना हो जाएगा? 2R, ये बन गया डायग्राम। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। देखो एक एंगल होता है, जो ये होता है ना एंगल, ये होता है 109 डिग्री, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा CH4 के स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये CH4 को रिजेंबल करता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारा टेट्राहेड्रल वाला, इसके अंदर जो एंगल होता है 10 कितना होता है अपना 9 होता है। तो अगर मैं नॉर्मल इसके अंदर एंगल की बात करती हूँ आपसे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 54 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल कितना आ जाएगा? 54 डिग्री, क्योंकि जो पूरा एंगल होता है वो 109 होता है, तो आधा कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। स्टूडेंट्स बेसिकली जो प्रॉपर एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये होता है एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 54 डिग्री 44 मिनट्स, इस प्रकार से हो जाता है। जैसे
तो एंगल हम क्या लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 54 पॉइंट लेते हैं, मतलब 54 ही लेके चलते हैं आपा। इसकी वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट नहीं करनी, तो टेंशन नहीं लेनी, बस एंगल का पता होना चाहिए। एंगल कितना है, टोटल होता है 109 पॉइंट, कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट्स, और इसका हाफ हो जाएगा 54 डिग्री 44। अब इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस। तो अगर आप देखो कोई भी ट्राइंगल ले लो, आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर हमारा थीटा यहाँ पर है, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। किसी भी ट्राइंगल में जहाँ थीटा होता है वो बेस कहलाता है, तो ये बेस है, ठीक है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस। ये पूरी वैल्यू 2R है, तो ये कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर कितनी है हमारी, R, और हाइपोटनियस कितनी है, R प्लस R। ये किसके इक्वल होती है, साइन 54 डिग्री पॉइंट 44 मिनट्स के इक्वल होती है। सो स्टूडेंट्स ये जो R क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटनियस हमने देखा R प्लस R है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है साइन 54 डिग्री पॉइंट 44 मिनट्स के, है ना। तो इसकी जब प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको वहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट इसका साइन समथिंग का वैल्यू आंसर नहीं पता। तो ये आपका आएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 0.225। इसका रेडियस रेशियो जो आएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का 0.225 आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस हमारा था टेट्राहेड्रल का। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार आप समझोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्फीयर है ऊपर वाला, ये तीनों को भी टच कर रहा है और वॉइड को भी टच कर रहा है, तो इस प्रकार से हमने इसे ड्रॉ किया। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, बस ट्रायंगल को एज्यूम करना है। लेकिन अगर पेपर में आता है डिराइव करना, तो आपने सारा लिख के आना है। यहाँ पर आके आप लिख सकते हो, एज वी नो दैट वेन वी विल सॉल्व इट, आंसर विल कम, ये बस आफ्टर कैलकुलेटिंग, या तो सीधे लिख दो आफ्टर कैलकुलेटिंग आर बाय आर इज इक्वल्स टू 0.225, दैट्स इट, ठीक है। सो ये जो था हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था नॉन प्लेनर वॉइड का। अब हम देखने लगे हैं सेकेंड एग्जाम्पल नॉन प्लेनर वॉइड का, जो कि है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो यस स्टूडेंट्स, अब सेकेंड काइंड ऑफ वॉइड आता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो वॉइड होता है जो क्या होता है, सिक्स स्फीयर्स को ज्वाइन करने से बनता है, ठीक है। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं बेसिकली, सॉरी दो तरीके हैं। फर्स्ट वे है भी तीन जो स्फीयर्स हैं, तीन स्फीयर्स लीजिए इन सेम प्लेन, ठीक है। तीन स्फीयर्स क्या लीजिए आप, सेम प्लेन में लीजिए, प्लस तीन आप लीजिए, सॉरी सेम कलर है ना, प्लस थ्री जो हैं वो या तो ऊपर लीजिए अपर में लीजिए, या फिर तीन कहाँ लीजिए बॉटम में, वो चॉइस है। छः स्फीयर से बनेगा, तीन ऊपर और तीन नीचे करके। आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ किस प्रकार से दिखेगा, देखिए आप देख सकते हैं, ऐसे दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं एक दो तीन ऊपर, उल्टा कर रही हूँ, एक दो तीन नीचे, ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी सी होती है, ये देखिए ये ऐसे बना रहे हैं ऐसे ट्राइंगल, और ये बना रहे हैं ऐसे ट्राइंगल। आपको मैं एक शीट पर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यस स्टूडेंट्स, अब आता है एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। आइए देखिए ये स्ट्रक्चर किस तरह से हमें देखने को मिलेगा। देखिए इधर से देखूं तो भी तीन हमें मतलब स्फीयर्स देखने को मिल रहे हैं, इसे उल्टा करती हूँ तो भी मुझे तीन स्फीयर्स अलग कलर के देखने को मिल रहे हैं। ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो बनता है छः स्फीयर्स के कनेक्शन से, तीन स्फीयर्स एक प्लेन में और ऑपोजिट साइड पर भी तीन स्फीयर्स एक प्लेन में, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अलग है। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। तीन स्फीयर्स आपने लेने हैं एक प्लेन पे, एक प्लेन का मतलब है ऐसे, ठीक है, तीनों आपने एक प्लेन पर लेने हैं। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, तीन और स्फीयर्स को रखना है, जैसे कि हमारा ये है, ठीक है, ये तीन है, इसके ऊपर हमने ये तीन रखने हैं, तीन तीन आपने दो सेट बना लेने हैं एक प्लेन में बनाकर। अब इन तीन को आप ऐसे रखिए भी, एक आगे की साइड और दो नीचे की साइड। इसके ऊपर हमने क्या करना है, दो अब हम करेंगे ऊपर की साइड और एक करेंगे नीचे की साइड। आप देख सकते हैं एक आगे की साइड और दो पीछे की साइड, और ऊपर वाले में दो ऊपर की साइड और एक पीछे की साइड, ऐसे इसे इस पे रख देंगे, तो ये हमारा जो है ये बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आइए देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है, तीन हमें ऐसे देखने को मिल रहा है, ये ऊपर की साइड है, लेकिन इसको उल्टा करूँ
तो देखिए ये ऐसे हैं, मतलब दो ऐसे हैं एक ऐसे हैं, तो नीचे देखोगे तो एक नीचे है और दो पीछे हैं, ये क्या होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये तो आपको बता चुकी हूँ मैं भी ऑक्टाहेड्रल शेप है। ऑक्टाहेड्रल शेप में वॉइड क्या होगा, वॉइड होता है खाली रीजन, एक ऐसा गैप। अब देखो यहाँ से गैप है, ये अंदर गई है ना, ये गैप है ना आपको देखने को मिल रहा है, देखो। तो इस गैप में अगर कोई स्फीयर हम फिट करेंगे, ठीक है, जो यहाँ से भी हमें देखने को मिलेगा, पीछे से भी और ऊपर से भी, वो क्या कहलाएगा, इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। क्लियर हो चुका होगा, लेकिन एक बार हम यहाँ स्ट्रक्चर के थ्रू हेल्प से देखते हैं। पहला नीचे वाला जो बेस है वो कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगा, बी ए तीन है। अब जो ऊपर वाला होगा, पहले आप क्या करते हैं इसके सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, है ना। अब जो इसके ऊपर बनेगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, वो ये होगा भी। अब मुंह नीचे और दो स्फीयर्स ऊपर हैं, और इसके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि इनके सेंटर्स की पोजीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या सिंपल अगर आपको फिर से एक बार बना के दिखाऊं इसी चीज़ को अच्छे से, एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, इसके ऊपर उल्टे, एक दो और तीन, ठीक है। पहले आपने सीधा ट्रायंगल के स्फीयर्स बना रहे हैं, मतलब यहाँ बीच में एक स्फीयर, एक इधर इधर, फिर उल्टे ट्रायंगल पे। तो ये क्या होता है, अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये तो पहला तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, मतलब तीन नीचे ऐसे हैं, ऐसे करके एक ऊपर दो नीचे, जैसे ऐसे एक ऊपर दो नीचे। अब इस पर पुट्ठा लगाना है ऐसे, एक नीचे दो ऊपर, इस प्रकार से। तो ये क्या ऑक्टाहेड्रल की फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन से हम कैलकुलेशन नहीं करते, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन होती है उससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं रेडियस रेशो की। सेकंड में क्या होता है, फोर स्फीयर्स जो हैं वो सेम प्लेन में होंगे, फोर स्फीयर इन सेम प्लेन, और एक ऊपर और एक नीचे, वन अपर पे होगा और प्लस वन बिलो पे होगा। कैसे, देखो ये कैसे बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, चार स्फीयर। अब एक इसके ऊपर बनेगा ऐसे, एक और स्फीयर आके लग जाएगा, और एक इसके नीचे लग जाएगा। कैसे, देखो अगर इसको मैं कहूँ नीचे 3D है तो ऐसे दिखा देती हूँ, या फिर एक और तरीका देखिए, ये ऊपर वाला स्फीयर हो गया इसका, और ये ऊपर वाला किस पे होगा, इन चारों के ऊपर होगा, और एक इसके नीचे होगा, मतलब ये ऊपर से आके जुड़ेगा ऐसे, और ये सबके सेंटर को कनेक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, नीचे से जुड़ेगा और सबके सेंटर को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। देखो कैसे इसको आपको मैं इसमें 3D स्ट्रक्चर में बताऊं तो, जैसे ये है स्टूडेंट्स, ये चार जो हैं ये सेम प्लेन में हैं, एक दो तीन चार सेम प्लेन में हैं। अब यही इसके ऊपर एक अगर मैं रख दूँ और एक इसके नीचे में रख दूँ तो ये इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसको शीट पर बनाकर दिखाती हूँ, आपको ये और ज़्यादा इजीली समझ आएगा। सो यस स्टूडेंट्स, अब जो एग्जांपल है ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। जैसे कि मैंने आपको कहा था हम इसे दो मेथड से बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए क्या होता है भी, चार जो होते हैं स्फीयर्स वो एक प्लेन में होंगे, देखिए 1, 2, 3 एंड 4 ये एक ही प्लेन में है, और जो बाकी के दो स्फीयर्स होते हैं एक होगा इसके ऊपर और एक होगा इसके नीचे, कुछ इस तरह से ये हमें देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो वॉइड होगा स्टूडेंट्स वो ऐसे होगा, जो यहाँ से स्पेस आपको दिख रही है इसके अंदर एक ऐसा स्फीयर जो फिट हो जाएगा उसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम दो मेथड से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे इसकी डेरिवेशन और आर बाय आर का रेशो। सो स्टूडेंट्स, इसका हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू आएगी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 0.414, सेम एज स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर के ऊपर और नीचे मॉलिक्यूल लगा दिया, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आर बाय आर जो आएगा 0.414 आएगा, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही हमें जानना था। अब जो थर्ड टाइप ऑफ वॉइड आता है वो होता है क्यूबिकल वॉइड। फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, क्यूबिकल वॉइड क्या होता है, क्यूबिकल वॉइड जो होता है वो आता है नॉन प्लेनर वॉइड के अंदर, यानी कि इसमें भी क्या होती है स्टूडेंट्स, 3D रिप्रेजेंटेशन होती है, समझ पा रहे हो ना। नॉन प्लेनर वॉइड्स वो होते हैं जिसमें 3D रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम स्पेस में रिप्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। तो हेडिंग डालिए क्यूबिकल वॉइड,
अब देखिए क्यूबिकल वॉइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये टोटल 8 स्फीयर से ज्वाइन होकर बनता है. सो आप लिख सकते हैं द वॉइड फॉर्म्ड बाय द वॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 8 स्फीयर्स टुगेदर. जब आप 8 स्फीयर्स को ज्वाइन करोगे तो ये वॉइड बनेगा. एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ उसका बना के कैसे बनेगा. देखो दूसरे कलर से देखते हैं. देखो पहले आपने 4 जोड़ने हैं, ये थोड़ा टच नहीं हुआ ना, हाँ 4 जोड़ने हैं. अब 4 इनके ऊपर होंगे या फिर 4 नीचे होंगे, तो ऐसे डॉटेड से दिखा रही हूँ, मतलब 4 इनके ऊपर होंगे और 4 ही क्या होंगे, या तो 4 ऊपर होंगे या 4 नीचे होंगे, टोटल 8 होंगे. देखो कैसे, ये देखिए इसका 3D स्ट्रक्चर. अगर इसे हाथ पे रखूँ तो मैं ये नीचे वाली लेयर है 1, 2, 3, 4 देखो, और ये इसकी ऊपर वाली लेयर है 1, 2, 1, 2, 3, 4. तो ये क्या है, 8 से बना है. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबिकल वॉइड हो जाएगा स्टूडेंट्स. अब मैं आपको इसको शीट पर बनाकर दिखाती हूँ, आपको और इजीली इसे आप समझ सकते हैं. लास्ट जो हमारा टॉपिक है ये आता है क्यूबिकल वॉइड के बारे में. देखिए क्यूबिकल वॉइड किस तरह से देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिफरेंट अरेंजमेंट है. कैसी है, 2 लेयर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है. इसमें क्या है, आपने 2 लेयर्स बनानी हैं. जो फर्स्ट लेयर आपकी होगी वो होगी बी 1, 2, 3, 4. ठीक है, यानी कि ये जो है पहले जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं आपको स्फीयर्स हैं ये एक प्लेन में होंगे और नीचे वाले क्या होंगे, चारों एक प्लेन में होंगे. अब इसे क्यूबिकल वॉइड को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, इसे बनाने के लिए हमने 4 जो हैं हमारे स्फीयर्स वो एक प्लेन में लेने हैं, 1, 2, 3, 4, और इसके ऊपर सेम हमने 4 अटैच कर देने हैं. तो ये हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा. ये होता है हमारा क्यूबिकल जो कि 8 स्फीयर्स से मिलकर बनता है. ठीक है, सो यहीं पर जो हमारा वॉइड था ये बहुत ब्यूटीफुली बन गया. अब एक और चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर वॉइड क्या होगा, स्फीयर्स तो हमने जोड़ दिए, वॉइड होगा ये रीजन जो इसे क्रॉस कर रहा है. देखिए इसके बीच में हमको एक ऐसा स्फीयर डालें, एक ऐसी स्पेस डालें, यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर इसके बीच में आ जाए, उसे हम कहेंगे क्यूबिकल वॉइड. वॉइड क्या होता है, खाली जगह, ये तो है खाली जगह. इसके बीच में अगर हम कुछ फिट कर दें, कोई स्फीयर फिट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिकल वॉइड कहलाएगा. होपफुली आपको 3D स्ट्रक्चर समझ आ चुका होगा. अब आपको ये भी पता चल रहा होगा भी ये क्या बन रहा है, क्रिस्टल लैटिस बन रहा है ना. तो इसको मैं कैसे शो कर सकती हूँ, ये एक स्क्वायर बना रहा है, कैसे बना सकती हूँ इसको, देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे अरेंज्ड होंगे, है ना. एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, सिमिलरली एक इधर है, एक इधर है, और एक पीछे, और एक पीछे है. 8 देखने को मिल रहे हैं, 4 ऐसे हैं और 4 ऐसे हैं, 4 ऊपर है, 4 नीचे हैं. तो ये क्या बना रहा है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना रहा है स्टूडेंट्स. अब इसको करने के लिए मैं इसको दोबारा बनाती हूँ स्क्वायर वाले को, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है रेडियस रेशियो उसका, है ना. तो मैं इसे यहाँ पर बनाती हूँ, तो देखो कहाँ कहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है ना स्फीयर हमारा. और जो इसके बीच का वॉइड बनेगा वो कहाँ बनेगा, इनके बीच की स्पेस. यानी कि आप ये देखिए भी, अगर ये मेरा क्यूबिकल स्ट्रक्चर है तो ये स्पेस क्या है, इसका वॉइड है, इसके बीच में जो स्फीयर आके जुड़ेगा वो कहलाएगा क्यूबिकल वॉइड. यानी कि यहाँ पर जो आएगा स्फीयर वो होगा क्यूबिकल वॉइड. तो ये कहाँ से पास होगी, बॉडी डायगोनल से पास होगी. बॉडी डायगोनल की वैल्यू आपको मैंने बता दी थी, √3a होती है. और r की टर्म्स में अगर मैं पूछूं तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बॉडी डायगोनल की वैल्यू ये आएगी भाई यहाँ पर भी एक स्फीयर होगा, यहाँ पर भी एक स्फीयर होगा, है ना. यानी कि इसका r प्लस इसका कैपिटल R और इसके दो छोटे R बीच वाले के, तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, √3a इज इक्वल्स टू 2R प्लस स्मॉल 2R. ठीक है, ये तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू. और एक आपको पता है हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, एज क्या होती है अपनी, 2R की इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पर दो स्फीयर हैं, तो 1R प्लस 1R, और ये क्या होता है, a होता है, a क्या हो जाएगा, R प्लस R 2R. ठीक है, सो यहाँ से हम इन दोनों को जब निकाल के डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, √3a by a इज इक्वल्स टू 2R प्लस R by 2R. यहाँ से ये कट गया. एक और चीज़ मैं गलती कर बैठी, यहाँ स्मॉल r नहीं आएगा, यहाँ कैपिटल R आएगा ना. ठीक है, यहाँ कैपिटल R आएगा क्योंकि इस रेडियस, इस वाले का रेडियस कैपिटल R है, इस वजह से. अब यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, स्मॉल r बाय कैपिटल R जो है वो 0. कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा.
कितना आ जाएगा हमारा 0.7 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका रेडियस रेशो। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, स्टूडेंट्स इसे नोट करेंगे। अब हमने देखो क्यूबिक क्यूब के अंदर स्टडी कर लिया, तो हमें बॉडी डायगोनल निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना, यह आपको करवा चुकी हूँ। सो यस स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारी ये वीडियो है, यानी कि वॉइड्स, हमने वॉइड्स को पढ़ा, ऐसी चीज़, ऐसे गैप जो हमें किसी भी स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो इस स्ट्रक्चर में ये गैप क्या है, इसका वॉइड है, है ना। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो इसके अंदर ये वाला जो गैप है ये इसका वॉइड है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो ये जो गैप है ये क्या है, वॉइड है। तो वॉइड क्या होता है, ऐसा गैप जो जब हम स्फीयर्स को ज्वाइन करते हैं और हमें देखने को मिलते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्लेनर वॉइड्स देखे थे, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने नॉन प्लेनर वॉइड्स देखे हैं। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है स्टूडेंट्स, तो लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।